सब लोग खुश है, पहले तो कुछ लोगों को बताया नहीं था, अभी जिस पता चल रहा है धीरे धीरे, बहुत खुश है कि खतरों की लड़ी में भी जा रहे हैं। बट हाँ जा रहा हूँ, जितना मैं खुश हूँ उतने ही लोग और फैमिली बढ़ चुकी है ना, अभी ऑल पूरे इंडिया में हो चुकी है और उनके एक्सपेक्टेशन बहुत है कि नहीं अब यहाँ पे तो स्टंट होते हैं और शिव तो स्टंट करेगा, पर थोड़ा सा प्रेशर भी आता है कि इतने एक्सपेक्टेशन होते हैं ना सभी के, अरे तुम ही ये करो, अरे ऐसा नहीं होता यार। डर तो हमें भी लगता, मैं भी तो इंसान हूँ, बट ठीक है, बट इतना है कि अपने पास जिगरा है, अपन कर लेंगे। पर मम्मी फैमिली भी खुश है, बट आई थोड़ी सी डरती है शो से, क्योंकि शो मैं देखता था ना तो मम्मी भी ज़बरदस्ती देखना पड़ता था, तो मम्मी देखते वक्त देखती थी इतने सांप इतने कीड़े माकोड़े, और वो आज ही और आई मेरी बोलती है वो सब कीड़े माकोड़े तेरे ऊपर भी डालेंगे, मत जाना मत जा, दूसरा शो कर, मैं लाई भाग ले क्या, ये शो मिलता नहीं है लोगों को। तो बट है, खुश भी है, और एक होता ना वो घर वाले थोड़ी केयर करते हैं, वो वाली चीज़ भी है। ये मेरे ऊपर सच में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, और मेरे आई के साथ साथ ना बहुत आईयों का है, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा मम्मियों का बोल रहा हूँ जो मराठी में आई बोलते हैं, कि मुझे ना वो खुद के घर का समझते हैं, और जब भी मैं मिलता हूँ ना बाहर, जैसे यंगस्टर तो मिलते ही प्यार से, पर जो मम्मियाँ मिलती है मुझे, आई मिलती है ना, बहुत ही प्यार से मिलती है, और जो हाथ रखती है ऊपर की तेरी हर चीज़ पूरी हो जाए, और वो चीज़ मुझे लगता है दुनिया में सबसे बड़ी है। पैसे आप कमा लोगे, ब्लेसिंग कमाने में बहुत टाइम लगता है, और ब्लेसिंग मेरे पास, ब्लेसिंग के मामले में अमीर हूँ, तो मुझे लगता है कि उसी की वजह से मुझे शोज मिल रहे हैं, और इतने दिन मैं वेट कर रहा था, होता नहीं कि आप भाग दौड़ करते हो उस चीज़ के पीछे, पता नहीं मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, बट अभी शुरू हो गया है, अभी छोड़ूंगा नहीं कोई भी चीज़, और कोई कसर भी ना छोड़ो। एक होता है कि आप जब महाराष्ट्र तक सीमित होते हो, तब एक लालच मेरे में हमेशा है कि बस इतने ही लोग क्यों जानते हैं और क्यों नहीं जानते, या फिर मैंने बताया था स्टेज पे भी, ट्रेन के बुगी में आधी बुगी को मुझे तकलीफ़ देती है, पूरी बुगी क्यों नहीं देती है, मुझे चलता है तकलीफ़, और मुझे सच में वो जो प्यार करते जो भीड़ आती है मुझे कभी तकलीफ़ नहीं होगी, लाइफ में नहीं होगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तो मुझे मज़ा आता है कि लोग प्यार करते हैं, और इसी के लिए तो मैंने सपने देखे। तो अभी वो सिर्फ वो प्यार बहुत इंडिया तक और इंडिया के कोने कोने तक, जब अलग अलग अपने अपने पैटर्न में जब मैसेज भेजते हैं प्यार का, मुझे मेल आते हैं, और मैं ट्राई करता हूँ कि जितने पढ़ूँ, तो उससे ना आप मेहनत करने में और मोटिवेट होते हो और मज़ा आता है आपको, और आउट ऑफ इंडिया कैनेडा के लोग, फिर पता है कैनेडा में एक ग्रुप है जो तेरे लिए मेहनत करता है, वोटिंग किया है उन्होंने रात रात भर, तो मज़ा आता है कि यार एक वो अमरावती के गली वाला इतने लोग जानने लगे, और पहले बताना पड़ता था कि वो नागपुर के पास है अमरावती, अभी पता ना शिव वाला अमरावती, यस और क्या चाहिए। खतरों के लिए ना वो प्रिपरेशन कम मुझे नहीं लगता उसकी हो सकती है, क्योंकि वो वहाँ पे जो चीज़ें होती है बहुत अनोखी होती है, बहुत अलग होती है, सिर्फ इतना ही कि जो मैं करता था उसके अलावा मैं क्या क्या कर सकता वो सब ट्राई कर रहा हूँ, और जितने दिन थे उसमें ये भी चीज़ करनी वो भी चीज़ करनी है, कुछ चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, तो मैं ट्राई किया, बट मेन होता है जिगरा वहाँ पे, कभी कभी आप बॉडी कुछ मायने नहीं रखती वहाँ पे, कि आपके डोले शोले आपका फिटनेस वहाँ पे होता है, यहाँ से आप कितने ताकतवर हो, तो वही चीज़ है, बस बीच बीच में बहुत टेंशन ले लिया, तो 8-10 दिन और सब लोग इतना एक्सपेक्ट करते हैं ना आपसे, तो मैंने नहीं चलो अभी से जो चीज़ हमें चाहिए थी वो मिल रही है उसको एंजॉय करो, बस वो स्टंट हमारी लाइफ का लास्ट स्टंट होना चाहिए, इसके बाद चांस नहीं मिलेगा, ये मैंने माइंड को समझाया, बस खुद को समझाया कि सेकेंड चांस नहीं मिलेगा तुझे, ये चांस बाकियों को भी नहीं मिलता ये तुझे मिला है, अभी ऐसा खेलना कि लास्ट चांस है, इसके बाद आपको अरे यार आपका मूड सही नहीं था या आप वो थोड़े से ऐसे ये हो गए, फिर चलो कलर्स वाले बोलेंगे फिर से शो को बुलाते, ऐसा नहीं होगा, और मुझे सेकंड का वेट भी नहीं करना, पहले इसमें जैसे परफॉर्म कर सकता हूँ वैसे करूँगा पक्का, सबसे ज़्यादा आप मुझे शर्त लगा लो कोई भी कि ये कंटेस्टेंट नहीं करेगा ये करेगा, ये हो ही नहीं सकता, खतरों में हमेशा सरप्राइजेस मिले, जिससे आप एक्सपेक्ट करते हो वो कभी कभी परफॉर्म नहीं करता है, और जिससे नहीं करते हो वो फाड़ देता है, तो खतरों का मैं मुझे पता है कि वहाँ पे नहीं होता यार, रियल लाइफ में कौन हेलीकॉप्टर से जंप मारता है, रियल लाइफ में कहा अपने घर पे यार वर्कआउट करते हम सांप हमारे हाथ में होते, तो ये चीज़ ना वहाँ पे आप सब लोग स्ट्रांग है, 14 ही लोग, और 14 ही लोग अंदर से स्ट्रांग रहते हैं इसीलिए वहाँ पे आते हैं, इसीलिए हाँ बोलते, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को हमने थोड़ा भी नहीं यार ये ज़्यादा है, एक कोई भी नहीं, और मैं सब फाड़ सकते हैं, बस थोड़ा सा मैं ज़्यादा फाड़ दूँ बस इतनी चीज़,
सभी से लगता है डर, एक चीज से नहीं लगता है, पानी से लगता है, सांप से लगता है, ऊंचाई से लगता है, आग सब से लगता है, बट जब चीज आगे आएगी शोश जम कर लेगा, इसका गारंटी है। मेरी लाइफ में सडनली होता है और मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं जो कर नहीं सकता हूँ। मुझे अगर आप बोलोगे ये सपना है और ये सपने के लिए रास्ता है और इसका तो वेट कर रहा था, अभी वो डर रहे कुछ नहीं, मैं जम कर दूंगा, बाकी तुम बचा लो मुझे, बस बाकी पता नहीं लगेगा। बट मैं जब सोचा ना खुद को कि करना तो पड़ेगा ब्रो, तो वहाँ पे मस्ती में कर लूँगा मैं, ट्रस्ट में। अभी बीच में एक शो था, अभी कल परसों एक शूट था, तो एक बंदा था सर में, तो उसने मेरे हाथ में दिया, तो मेरे को था कि मेरे को तो ऑब्वियसली लेना ही पड़ेगा, मेरे को जाना है उधर, तो मैंने हाथ में लिया, जैसे उसने मेरी तरफ देखा, मेरा था, कैमरा भी ऑन था, डर थोड़ी रहा हूँ मैं, शिव चक्र में पर डर पर नहीं। वो फिर उसने ऐसे राउंड भी किया मेरे साथ, पर ठीक है मैं कर लूँगा ब्रो, मेरे को पता है। बोला हाँ देव पापा थैंक यू कि दूसरा काम चालू होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक काम से निकलते दूसरा काम जो शो आपको चाहिए वही मिलेगा, क्योंकि कभी कभी बहुत बार लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हो ना, तो वो जो चाहिए वही मिल रहा है, तो ये बड़ी बात है और ब्लेस की बाबा। क्योंकि हमेशा मेरी लाइफ में ऐसे हुआ ना, एक काम के बीच में थोड़ा सा रुकना पड़ा, एफर्ट्स लेने पड़े, 2 साल घर पे रहो, 1 साल घर पे रहो, फ़ोन करो, फिर फ़ोन जो ब्लू टिक करके रिप्लाई नहीं आता है, अच्छा ठीक है ना बाद में करेंगे, अभी अभी वो चीज़ थोड़ी सी नहीं हो रही है, पापा की कृपा से काम आ रहा है और मैं मज़े से कर रहा हूँ और होपफुली ऐसे चलता रहे, मुझे मज़ा आएगा, उनका स्ट्रिक्टनेस मैं एंजॉय करूँगा, क्योंकि अगर वो है उस शो में तो जो चीज़ें नहीं होती है ना वो भी कर लेते बंदे, कंटेस्टेंट कर लेते, और मुझे लगता है वो हमारे लिए लकी है कि वो रोहित सर है, क्योंकि जो चीज़ें स्टंट हमारे से थोड़ा भी ऐसा होगा शिट ये नहीं हो रहा, रोहित सर जब पुश करेंगे तो हो जाएगा वो, तो अच्छी बात है। कुछ नहीं बस यार बहुत ज़्यादा प्रे करो और ब्लेसिंग की ज़रूरत है मुझे, बाकी तो शिव ठाकरे कर लेगा। थैंक यू गणपति पापा मोरे, थैंक यू।